और अब आपको बताएं कि साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश के लिए FIA लाहौर में पेश हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजमफर खान से। जी गजमफर खान, बताइएगा रासिख इलाही से क्या तफ्तीश की गई है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FIA लाहौर में मुकदमा नंबर 1/2023 मनी लॉन्ड्रिंग केस का दर्ज किया गया था, जिसमें साबिक वजीर आला पंजाब के बेटे रासिख इलाही को जो है वो तलब किया गया था और सामने तफ्तीश है इस केस में भी। और आज FIA लाहौर सर्कल में पेश होकर उन्होंने मोहलत मांगी है, क्योंकि FIA की जानिब से इस केस में सवालनामा जो है जमा करवाया गया था और उनके जवाब जो है इन्होंने देने थे, तहम उन्होंने मजीद मोहलत मांग ली है। और FIA का कहना है कि उन्हें मोहलत दे दी गई है, तहम मुकदमे की जो तफ्तीश है वो जारी है। मुकदमे की तफ्तीश इस वक्त जारी है। गजमफर खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।